मर्दकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ शंभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे राहु और केतु दोनों ही ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे कि राहु ग्रह जहां पहले मिथुन राशि में पिछले 18 महीने से विराजमान थे, वही केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान थे। अब दोनों ही ग्रह उच्च के थे, लेकिन अभी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं 23 सितंबर 2020 यानी कि अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी दिन बुधवार को दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित करेंगे। तो राहु ग्रह वृषभ राशि में जाएंगे द्वितीय चरण में और पहले मिथुन राशि में थे, वही केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजित होंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो दोनों ही ग्रहों को गुरु के समान ही दृष्टि और उनके समान ही बल प्राप्त है, इसलिए स्थान हानि करो, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। उसके पश्चात ये दोनों ही अचानक जीवन के अंदर लाभ तो अचानक हानि देते हैं। आश्चर्यचकित करने वाले फल दोनों ही ग्रह देते हैं। तो आपके जीवन में किस प्रकार का फल देने वाले हैं, अब आज हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों पर इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, कितनी मिलेंगी खुशियां, सफलता या फिर मिलेगी विफलता। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए कन्या राशि वालों का जहां तक प्रश्न है, राहु ग्रह नवम भाव में विराजमान होंगे। नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजित होंगे, तो सबसे पहले वह भाग्य की कड़ी को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भाग्य भरोसे किसी काम को लेकर बैठना उचित नहीं होगा। इसलिए लगातार मेहनत करना होगा जिससे कि आपका भाग्य भी आपके साथ रहे और जीवन में तरक्की के मार्ग खुले। अब नाइन्थ हाउस में राहु ग्रह विराजमान होंगे, तो उनकी जो पांचवी दृष्टि है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि गुरु के समान यानी 5, 7 और 9 तीन दृष्टियां प्राप्त है, वहां से लग्न को देखेंगे तो आपके पर्सनालिटी के अंदर निखार आएगा, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोग आपसे कई गुना पहले से अधिक प्रभावित होंगे, आईक्यू ईक्यू लेवल भी आपका बढ़िया रहेगा, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। उनकी जो सातवीं दृष्टि है वह थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव पर होगी, जिससे कि आपके अंदर एक्टिवनेस पहले से कई गुने ज्यादा आएगी। आप जहां पहले लेजीनेस वाला हिसाब किताब था आपके साथ, आप किसी भी काम को करते समय बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पे नहीं रहा करते थे, वहीं आप बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे और आक्रामक जब होंगे तो एनर्जी लेवल आपका कई गुना अधिक बढ़ेगा, जिससे कि कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनेंगे। वहीं आपके भाई और बहनों का मोरल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे भी आपके कई सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आने वाले हैं उसको आपको कहीं ना कहीं आपके भाई बहन दिखाएंगे, जिससे आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा सुंदर समय दिखाई दे रहा है। अब राहु की जो नवी दृष्टि है वह फिफ्थ हाउस पर पड़ेगी यानी कि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो सबसे पहले बेनिफिट ये होगा प्रेम करने वालों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल समय दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में पहले काफी अनबन आपस में होती थी, उन चीजों से निजात पाने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ में जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती थी और पहले कई सारी अड़चने आ रही थी, जिसके कारण कई बार स्थिति खराब होती थी, जिससे एबॉर्शन की स्थिति या मिसकैरेज की स्थिति बन जाती थी, उससे निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं ये बेहतरीन समय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यह 18 महीने जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट ऐसे कामों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात करते हैं केतु। केतु ग्रह जहां पहले धनु राशि में विराजमान थे, वहीं पर राशि को चेंज करके और वृश्चिक राशि में आपके तृतीय भाव में विराजित होंगे। एक बात का यहां विशेष ख्याल रखना होगा कि
आंख बंद करके किसी भी काम को ना करें, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सावधानी पूर्वक किसी भी काम को करेंगे, उस काम के अंदर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अन्यथा कई बार अगर आंख बंद करके काम करते हैं तो उसमें पछताना भी आपको पड़ सकता है। अब उनकी जो पांचवी दृष्टि है वह 7th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि आप पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर बहुत लंबे समय से तनाव तनी की स्थिति बनी हुई है, उससे निकलकर और मधुर संबंध स्थापित करने में आप दोनों काफी हद तक कामयाब रहेंगे। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उसमें काफी सारी समस्याएं आ रही है, कभी कुंडली नहीं मिल रही है, कभी लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा है, कभी लड़की लड़के को पसंद नहीं कर रही है, इस परिस्थिति से निकलकर आएंगे और आपके परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कहीं अगर आप नए व्यापार की योजना बनाए थे स्पेशली पार्टनरशिप के अंदर, तो वह बेहतर समय है आपके लिए, इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं और उससे कई गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और केतु की जो सातवीं दृष्टि होगी वह 9th हाउस पर होगी, जिससे आपके भाग्य को बेहतर बनाने का केतु पूर्णतः प्रयास करेंगे। कुछ लंबी और धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। नवी दृष्टि 11th हाउस पर होगी, तो उससे जहां सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आप बहुत ज्यादा पहले परेशान रहा करते थे कि मेरी तो इनकम अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अचानक इसमें बदलाव होगा और आपको जबरदस्त यहां पे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर इंक्रीमेंट की संभावनाएं पहले नहीं बन रही थी, इंक्रीमेंट के पूरे पूरे यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी किसी कार्य के लिए जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही जाएं, उससे सफलता कई गुनी अधिक बढ़ेगी। मित्रों, इस कड़ी को और भी बेहतर बनाने के लिए, सफलता को और अधिक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। जैसे कि आप जल में प्रतिदिन गौमूत्र डालकर स्नान कर सकते हैं, मोर पंख तकिए में रख सकते हैं, जिससे कि सफलता कई गुनी अधिक मिलेगी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए राहु ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होंगे वृषभ राशि में, तो सबसे पहले आपको किस चीज से सावधान रहने की आवश्यकता है ये बता देता हूँ। अगर आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पे सावधानी पूर्वक आपको डील करनी होगी, वह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। आंख बंद करके किसी काम को करते समय नुकसान हो जाएगा, इसलिए केयरफुल रहे, सावधानी पूर्वक काम को करें, जिससे सफलता आपको मिलेगी। कॉमन सेंस आपका काम करेगा और साथ ही साथ कोई अगर बीमारी है उसको नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान अधिक हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। अब अष्टम भाव से पूर्ण दृष्टि 12th हाउस पर होगी, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन योग राहु ग्रह बनाएंगे। उसके साथ साथ अगर विदेश से किसी प्रकार का आपका कनेक्शन है तो वहां से लाभ के पूर्णता योग बनेंगे। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस यानी कि खर्च को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरा तो खर्च अधिक हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो खर्च को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, खर्च पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा आपके। और उसके अलावा कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले में अगर बहुत ज्यादा परेशान थे उसमें भी विजय की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी सातवीं जो दृष्टि है वह 2nd हाउस पर होगी, जिससे कि आपके पारिवारिक झगड़े तकरार इत्यादि जो कि संपत्ति को लेकर चल रहे थे उससे निजात आपको मिलेगी और किसी व्यक्ति के मध्यस्थता से उसको सुलझाया जा सकता है। उसके अलावा जो लोग आपके वाणी से पहले बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे वो लोग काफी हद तक प्रभावित होंगे। नेत्र से जुड़ा हुआ कोई रोग जो कि पहले से चला आ रहा है उसको अगर आप केयरफुल लेते हैं तो उससे भी निजात आपको मिलने की पूरी संभावनाएं यहाँ दिखाई दे रही है। राहु की जो नवी दृष्टि होगी वह 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, जहां मित्रों से पहले धोखाधड़ी हो जाता था आपके साथ उससे निजात पाने में आप काफी हद तक सफल रहेंगे और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलने से प्रसन्नता कई गुनी अधिक बढ़ेगी। उसके साथ साथ में आपके परिवार के अंदर कुछ मांगलिक कार्य होने की भी यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेगी। भवन या वाहन, आप गाड़ी खरीदना चाहते थे या फिर घर बनाना चाहते थे जिसमें कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, लगातार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती थी, तो उससे आप निकल कर बाहर आएंगे
अब आपका किया हुआ प्रयास 100% आपको रिजल्ट देगा और उसमें आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पे जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का बड़ा ही सही समय रहेगा, जिससे भी आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में विराजित होंगे तो पैतृक संपत्ति के बारे में हमने पहले ही चर्चा किया था, उसको लेकर किसी बात को अनदेखा ना करें, नहीं तो आप उससे निकलने के बजाय फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक कार्य को करें तो आप नहीं फंसेंगे, अन्यथा विवादों में फंस सकते हैं जिससे परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। अब वहां पे केतु ग्रह की जो पांचवी दृष्टि है वह पड़ेगी सिक्स हाउस पर। अब सिक्स हाउस पर दृष्टि पड़ने से आप अपने शत्रुओं से जो परेशानी आपको मिल रही थी कहीं ना कहीं उससे निजात पाने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ में कर्ज लिया है और जिसके तले आप दबे हुए हैं और उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, उससे भी छुटकारा प्राप्त करने का सही समय आ गया। उसके अलावा कोई पुराना रोग जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, स्पेशली आप कहीं ना कहीं एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं थी उससे भी निकल कर आप बाहर आएंगे, उसमें काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। अब केतु की जो सातवीं दृष्टि है वो एट हाउस पर पड़ेगी, जिससे आपका कॉमन सेंस बड़ा ही जबरदस्त काम करेगा और बीमा क्षेत्र के अंदर भरपूर लाभ का योग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु की जो नवीं दृष्टि होगी वह टेंथ हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि जिन लोगों को नौकरी में समस्याएं आ रही थी या फिर नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नई नौकरी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ साथ में जिन लोगों का प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ था उनके लिए प्रमोशन का बेहतरीन चांस बनेगा। पिता के साथ संबंध खराब थे तो उसमें सुधार की बहुत हद तक यहाँ पर संभावनाएं निकल कर आ रही। तो मित्रों, इससे और भी बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन और साथ साथ में बुधवार के दिन आप हरा घास या फिर पालक गाय को खिलाएं, उससे बहुत हद तक लाभ मिलेगा। उसके अलावा प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी हितकर सिद्ध होगा। उसके अलावा राम राहवे नमः या फिर किंग केतवे नमः मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो उससे ग्रह अनुकूल होंगे और कई गुना अधिक लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।